श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को टीको मृग मद को उज्ज्वल से दौ नैना उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र बदन नी को ओम जय अम्बे गौरी मैया कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंदन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी मैया के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत किनके दुखहारी ओम जय अम्बे गौरी मैया कानन कुंडल सोहि ना साजे मोती मैया ना साजे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया शुंभनि शुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी मैया चंड मुंड सहारे सोड़ित बीज हरे मैया सोड़ित बीज हरे मधु कैटम दौ मारे मधु कैटम दौ मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी मैया सतयोगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत ताल मृदंग और बाजत डमरू माता तुम ही हो भरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया मैया वर मुद्रा धारी वनवांचित फल पावत वनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय।
सवितं भवानी सवितं नमामि भवं भवामि सवितं नमामि च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याद्वरणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा बोलो माँ जगदम्बे भवानी की जय बोलो इष्ट देवता की जय बोलो कुल देवता की जय हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आरती ले आरती चल बेटा अभी सेवा गीत वाले बना जल्दी आरती ले लो बोलो कैसे कैसे करना है ये में चाचा अरे कुछ नहीं चला थे मैं हाँ अपन वीडियो अपलोड नहीं कर सका था मैं का बता पर हम लोगों का अभी अब नाश्ते का टाइम हो गया है आपको जैसे कि मैंने दिखाया कि पूजा पाठ हो गया है आज हमारा है ये नवरात्रि का थर्ड दिन और तीसरा दिन है तो देखिए यहाँ पर हमारा पूजा पाठ होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह की तैयारी हो गई है और ये रहा छत्तीसगढ़ का फेमस फरा तो यहाँ पर हम लोग नाश्ते में फरा बना दिए हैं और फरा खाएंगे और टमाटर की चटनी इसके साथ परोसा जाएगा और गाइस देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने अच्छे से नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और बस यहाँ पर पूजा पाठ भी हो गया है और सभी लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं चलिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर सभी लोग अभी बैठ के नाश्ता वाश्ता करेंगे सभी बच्चे लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं और सभी यहाँ पर नाश्ता करेंगे एक एक बच्चे सब बैठ गए हैं सभी को फरहा दिया जाएगा और सब टमाटर की चटनी के साथ यहाँ पर खाएंगे ये देखिए इतना लाजवाब फरहा भी बनाए कि मैं क्या बताऊँ मतलब कि सब बच्चे बैठ के यहाँ पर खाने वाले हैं तो आज स्पेशल थर्ड दिन है और मैं आपको जग जमारा का पूरा एक एक चीज बताते जा रही हूँ दिखाते जा रही हूँ चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आ गई हूँ क्योंकि देखिए हमें जब पूजा पाठ करना होता है तो हम लोगों को थोड़ा बाल अभी क्या है मैं हेयर वॉश भी किया था तो जस्ट मैं अभी होम जग वगैरह दे करके आ रही हूँ और बस अभी मैं अब थोड़ा सा बाल वगैरह है वो सब कंघी वंगी करने का मेरा टाइम है और यहाँ पर अब बैठ करके मैं आराम से थोड़ा मेरा अभी फास्टिंग चल रहा है तो मैं 9 दिन तक से फास्ट है मेरा तो अभी मैं कुछ खाऊंगी नहीं बस एक टाइम मेरा है जो भी फल फ्रूट जो भी है वो लेने का है मेरा तो अभी फिलहाल हो गई हूँ मैं फ्री वही छोटे छोटे मैं ब्लॉग दिखाऊंगी और हाँ मेरे जस गीत मैंने डाला हुआ है वो भी आप वहाँ पर जाकर के चेकआउट करिए गाइस गाँव का है और ये मेरा गाँव है और यहीं पर हमारा जग जमारा बोया गया है तो हर एक छोटी छोटी क्लिप मैं आपको बताते जा रही हूँ दिखाते जा रही हूँ
तो गाइस अगर आपको यहाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए यार। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैं जसगीत है छत्तीसगढ़ी जसगीत है यहाँ पर गांवों में। और जैसे कि आपको पता ही कि मैं छत्तीसगढ़ आई हुई हूँ और ये है रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी में हम लोग का गांव है और वो भी पिरदा भीमभोरी जो उरला के पास ही है और यहीं पर ही हमारा गांव है। हमारा खेत खलियान जो भी है सब यही है। तो हमारा यहीं पर ही जग जमारा का कार्यक्रम है और यहीं पर ही हम बोए हुए हैं। तो बस वही छोटी छोटी क्लिप मैं दिखाते जा रही हूँ जो कि आपको जो लैंग्वेज है मेरा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज मिक्सअप करके आपको आ रही होगी। और सबसे मेन बात यह है गाइस कि यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है और नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मेरी जितनी भी वीडियो है जो मैं टाइम दी थी वो टाइम से नहीं हो पा रहा है। इतनी मशक्कत करने के बाद जो भी टाइम मिलता है कि हाँ थोड़ा भी नेट मिलता है, मैं तो मोबाइल पकड़ पकड़ के ऐसे घूम रही हूँ कि कहीं पर थोड़ा ना थोड़ा नेट आ जाए। इसीलिए ना तो मैं थंबनेल बना रही हूँ अच्छे से, ना ही तो सिर्फ ऐसे ही अपलोड कर देती हूँ, जैसे ही डाउनलोड हो तो अपलोड कर लूँ। पर यहाँ पर डाउनलोड की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि एडिट तो हो जा रही है बट उसको मतलब कि अपलोडिंग करने में पब्लिश करने में बहुत वेट लग रहा है और वो चीज हो ही नहीं रहा है। मैं नाइट में कम्प्लीट कर लेती हूँ तो वो एक दिन तक से होता ही नहीं है। तो सभी से हॉटस्पॉट या जिसका भी नेट चल रहा हो उससे मैं ले करके ये सब चीजें अपलोड करते जा रही हूँ। मतलब कि इतनी ज्यादा हम लोगों को मुश्किल की मतलब कि ये नेट और ये जो नेटवर्क है ना उसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे थोड़ा अपलोडिंग में टाइम लग जा रहा है और कोई बात नहीं है। वरना मैंने सोचा था कि 8 बजे मैं करेक्ट आप लोगों के पास हर एक को मेरी जितनी भी वीडियो है वो आ जानी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है और लाइट तो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, खास करके दोपहर तक से लाइट आती है जाती है और नाइट में तो फिलहाल रहता है। तो वही सब चीजें मैं शेयर करते जा रही हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।